सो गाइस, ये हमारी वॉशिंग मशीन WW80T504DAN 2021 का मॉडल है। हमने इसको 2 साल पहले परचेज़ किया था। तो दोस्तों, इसकी मैंने कुछ वीडियोस भी बना रखी है अपने चैनल पे, इसकी अनबॉक्सिंग की और इसके साथ साथ में 2 साल के 1.5 साल के बाद की रिव्यू की मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखी तो आप उन वीडियोज़ को जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियोज़ का मैं आपको लिंक जो है आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। और दोस्तों, मैं जो आज के जो हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है इस वॉशिंग मशीन के बारे में ही कि इसमें मेरे को एक रिसेंटली जब मैं को इस्तेमाल कर रहा था तो मेरे को उसमें एक प्रॉब्लम देखने को मिली सडनली। उस पर प्रॉब्लम ये थी, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये जो इसका डिस्प्ले है यहाँ पे, जैसे कि आपको पता होगा ये जो डिस्प्ले है ये यहाँ पे दो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेरे को शो करता है। अगर आप इस डिस्प्ले की यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो हमारा डिस्प्ले है ये हमारा शो करता है कि कौन सी साइकिल इस टाइम पे हम रन कर रहे हैं और क्या उस साइकिल की टाइमिंग होगी, उसका नाम और साइकिल की टाइमिंग यहाँ पे हमें शो करता है। तो दोस्तों, ये वाला जो डिस्प्ले था हमारा बंद पड़ गया था और जो हमारा यहाँ पे कुछ यहाँ पे टेम्परेचर्स और यहाँ पे रेंज कितनी बार करना है हमको वाटर, उसका जो हमारा इन्फॉर्मेशन थी और यहाँ पे स्पिनिंग का और यहाँ पे जो है कंट्रोल्स का हमें कुछ और भी एडिशनल ऑप्शंस देखने को मिलते थे। स्मार्ट थिंग ऐप से कंट्रोल करने का यहाँ पे हमें वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिलता था। तो जो हमारे ये टेम्परेचर रेंज कंट्रोल एंड आरपीएम कंट्रोल, जो ये जो सब हमारे कंट्रोल्स थे जो इधर की तरफ थे, ये सब जो हमारे रिसेंटली जो वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहे थे, लेकिन सडनली पता नहीं क्या हुआ था कि ये जो डिस्प्ले था जहाँ पे हमारी साइकिल का नेम और टाइमिंग शो होती थी वो बंद हो गया था अपने आप ही। तो दोस्तों, हुआ ये कि हमने सोचा कि पहले इसको रिस्टार्ट करके देख लेते हैं कि रिस्टार्ट करने पर ये जो इशू है ये फिक्स होता है कि नहीं। तो हमने इसको 2-3 घंटे जो है वॉशिंग मशीन को ऑफ रखा तो देखा ये जो इशू था ये ठीक नहीं हुआ। तो दोस्तों, हमने सैमसंग को कांटेक्ट करा, इसमें सैमसंग के कस्टमर केयर से बात करी, तो हमने कुछ कुछ इसमें उनको वीडियो कॉल करी। वीडियो कॉल करके भी कोई इशू मेरे को यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया कि इसमें ये इशू हो सकता है। तो उन्होंने टेक्नीशियन को भेजा यहाँ पे, जो सैमसंग की जो सर्विस थी यहाँ पे वो काफ़ी फास्ट थी। टेक्नीशियन उसी दिन आ गया और यहाँ पे उसने जब इसको चेक करा तो उसने ये बताया कि जो इसका जो डिस्प्ले का जो यूनिट का जो तार होता है वो यहाँ पे चूहे के थ्रू काट दिया गया है। दोस्तों, वो जो डिस्प्ले यूनिट है वो भी जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है वो यूनिट जो कि अंदर की तरफ लगी होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा ये जो जितने भी डिटेल्स थी ये जो सब शो हो रही थी, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इनमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये डिस्प्ले था ये हमारा शो होना बंद हो गया था। तो ये हमारा वो खराब यूनिट है। अभी ये हुआ क्या था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं जो तार है ये काट दिया गया था चूहे के थ्रू। अब ये तार काटा कैसे गया था, चूहा अंदर कैसे घुसा था, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वो ये था, जैसे कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है हमको ये सामने दिख रही है, इसके नीचे की तरफ अगर पॉसिबल होता तो मैं उसकी कोई वीडियो या फोटो आपके सामने शो करके दिखा दूंगा। इसके नीचे की तरफ आपको बहुत जो है ओपनिंग, बड़ी सी ओपनिंग देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको फोटो दिखाया उसमें आपको दिख रहा होगा कि जो मशीन है उसके नीचे हमने कार्डबोर्ड फिलहाल के लिए लगा रखा है जिससे कि जो चूहियां हैं वो अंदर ना जाए। जैसे कि आपको यहाँ पर राइट साइड में दिख भी रहा होगा इस फोटो में भी कि जो उसने फिर भी जो है उस कार्डबोर्ड में जो है छेद कर दिया था। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको उस फोटो में दिख रहा होगा कि जो मैंने नीचे जो है मशीन के नीचे कार्डबोर्ड लगाया था जहाँ पे भी ओपनिंग थी जिसके अंदर चूहियाँ जा सकती थी, तो जैसे कि आपने देख रहा होगा इस फोटो में भी कि यहाँ पे चूहिया ने फिर भी जो है वो छेद कर दिया था, तो उसकी वजह से वो अंदर चली गई थी। तो इस बार तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने खोल के चेक कर लिया। और ये मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे कार्डबोर्ड लगाते हैं तो कार्डबोर्ड जब आप लगाएंगे तो उस टाइम पे आप कोई भी जो है मशीन को ना चलाएं। अगर आप मशीन को नहीं चलाएंगे तो उससे क्या होगा कि अगर आप मशीन को गलती से अगर आपने चला दिया तो अंदर जो है वो हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो उसको वेंटिलेशन नहीं मिलेगा हवा का। वो जो एक ओपनिंग है वो एक वेंटिलेशन का भी काम करती है मोटर के लिए, जिससे कि मोटर गर्म ना हो और मोटर जो है वो कूल रहे, तो आपको जो है वो वेंटिलेशन नहीं मिलेगी। और अगर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तो वेंटिलेशन ना मिलने की वजह से जो आपका मोटर है वो फूक भी सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको रिकमेंडेशन यही दूंगा कि जब तक आप इसमें जाली नहीं लगाते, इतना आप इसमें कार्डबोर्ड लगा के रखें, जब तक आपका कार्डबोर्ड लगा रहता है तो तब तक आप ज़रूर ऐसा करें कि आप मशीन को ना चलाएं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं इसके जो खर्चा आया जो हमारा इसको रिपेयर कराने में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया इसको मैंने 2 साल पहले परचेज किया था और जो इसकी वारंटी है वो 3 साल की है। तो यहाँ पर जो आपके हिसाब से ये वारंटी में रिपेयर होना चाहिए था, लेकिन ये वारंटी में रिपेयर नहीं हुआ है क्योंकि ये जो फॉल्ट है हमारा है, इसमें कंपनी का कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो इसका जो खर्चा आया है वो पूरा पैनल चेंज होने का 3600 आया, 3600 रुपये। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसका खर्चा था जिससे कि वो पूरा पैनल चेंज हुआ है। और मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको अगर आप इस खर्चे से बचना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है एक कार्डबोर्ड लगा लें कुछ टाइम के लिए, फिर कोई भी कारपेंटर को बुला के आप वो जाली को लगवा सकते हैं। इसके नीचे की तरफ हमें यहाँ पे नीचे की तरफ हमें इसमें 4 बोल्ट देखने को मिल जाते हैं, उन बोल्ट में आप फिट कर सकते हैं उस जाली को। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर अभी तो मेरा सिर्फ इसने चूहिया ने सिर्फ इतना ही काटा था, एक तार ही काटा था जिसकी वजह से 3600 का नुकसान हुआ। अगर वो प्रॉब्लम आती कि मोटर का कोई मेन तार या फिर मोटर का कोई अंदर का एलिमेंट अगर वो काट देती तो शायद मोटर भी पूरा ख़राब हो सकता था और हमें पूरा मोटर भी रिप्लेस कराना पड़ सकता था। तो दोस्तों, जरूर आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जो अभी तो हमारा खर्चा 3600 का है, अगर हम
ना इसका ध्यान रखते तो शायद हमें पूरा मोटर चेंज कराना पड़ता, पता नहीं इस कितने हज़ार का खर्चा आता। कुछ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये थी कुछ आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपनी मशीन को इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फिर से मैं आपको वही प्रिकॉशन देना चाहूँगा कि ज़रूर आप नीचे जाली ही लगाएं, कार्डबोर्ड लगा के ना चलाएं, जिससे कि उसको वेंटिलेशन नहीं मिलेगा। अगर वेंटिलेशन नहीं मिला और वो हीट अप हुई तो उसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम उसको आपका ज़रूर आंसर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि जैसे ही हम कोई भी नई वीडियो लेकर आते हैं आपके सामने, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।